और सुशांत सिंह राजपूत के हत्या ही कह सकते हैं, बीते हुए 3 साल बीत चुके हैं और अब बात करें तो लोगों का जो प्रेम है उनके लिए काफी देखने को मिलता है। और इस बीच दिल्ली से श्रुति झा ने बातचीत की है स्वामी चक्रपाणि महाराज जी से, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इनके बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्वामी चक्रपाणि जी महाराज। आप बता दें, सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार से उभरे हुए एक सुपरस्टार थे, उनकी मौत 3 साल पहले हो गई, लेकिन आज भी उनके आरोप में जो 35 आरोपी है वो खुले घूम रहे हैं और सीबीआई अपने जांच में क्या कुछ कर रही है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर आपका क्या साइड है कि 3 साल बाद भी अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना चार्जशीट फाइल हुई है सीबीआई के पास, कोई मात्र है? देखिए, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत एक हिंदू युवक था, एक सनातनी था और इसका खामियाजा भुगत रहा है, और उसको हिंदू महासभा, संत महासभा किसी भी कीमत पे इन बॉलीवुड में जो जिहादी गैंग है इन्हीं लोगों के द्वारा उसकी हत्या करवाई गई है। और इन पे अगर जो कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू महासभा, संत महासभा पूरे देश में अब बैठेगी नहीं, चैन से संत महासभा बैठने वाली नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल उन लोगों पर चार्जशीट दाखिल करके उन पर खिलाफ कार्रवाई किया जाए और तह तक जाया जाए कि बॉलीवुड में कौन से वो जिहादी गैंग थे, कौन अंडरवर्ल्ड थे जिन्होंने सुशांत सिंह जो एकदम उभरते हुए जो हमारा सनातनी हिंदू युवक था उसको, उसके हत्या के पीछे कौन लोग थे, उनको पर्दाफाश किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कठोर सजा दी जाए। इन दिनों सीबीआई काफी एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन बात करें सुशांत सिंह राजपूत की तो 3 साल में अब तक सीबीआई ने कुछ रिजल्ट नहीं दिया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड और ये जो जिहादी गैंग है उसका दबाव है जिसके वजह से सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक न्याय नहीं मिला। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उस हम अपने सनातनी बेटा जो सुशांत सिंह राजपूत है उसके साथ न्याय के लिए हिंदू महासभा, संत महासभा सड़कों पर उतरने पर बाध्य होगी। और ये जो लड़ाई है 3 साल से ज्यादा हो चुकी है लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, और जितने जो लोग पहले रोडों पे उतर रहे थे, जो लोग आवाज उठा रहे थे, वो भी अब शांत पड़ गए हैं, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत जिसकी कथित तौर पे मृत्यु की बात आ रही है उनको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत एक संघर्ष करके गया हुआ हमारा हिंदू सनातनी बच्चा था और उसके साथ जो जिहादियों ने किया है, जो ये अंडरवर्ल्ड के लोगों ने किया है, जो बॉलीवुड के भ्रष्ट लोगों ने किया है, वो निश्चित रूप से उनको भुगतना पड़ेगा। आप बार बार बॉलीवुड की जिहादी और बॉलीवुड के भ्रष्ट लोगों की बात कर रहे हैं, तो क्या उनमें से किस कौन सा ऐसा खास ग्रुप है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, चूंकि अभी मामला जांच चल रहा है, मैं सीधे से बोल रहा हूँ कि ये जिहादी और अंडरवर्ल्ड ग्रुप है जो उस हिंदू सनातनी को बढ़ते हुए देख करके उसको जानबूझ के दबाया। इसमें काफी हो सकता है खान बंधु जुड़े हो और लोग जुड़े हो, डी कंपनी दाऊद इब्राहिम जुड़ा हो, ये कहाँ तक तार जाएगा, तो निश्चित दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन कोई बचने नहीं पाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे स्वामी चक्रपाणि जी महाराज, जिन्होंने तमाम बातों पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि